Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Real College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you historical perspectives of primary education in India. Before we start, I have already discussed the overall historical perspectives of education in India. I have already discussed the historical perspectives of higher education in India as well as secondary education in India. So it is, the present lecture is only a quick recap of which I have already covered. Okay, so let's start. हम जानते हैं कि हम अगर अपनी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत देखें तो वैदिक पीरियड से मानते हैं कि वैदिक समय में क्या होता था, गुरुकुल होते थे और वहां स्टूडेंट जो था वो जाकर पढ़ता था, जो विद्यार्थी था. द गुरुकुल्स वर द ट्रेडिशनल हिंदू रेजिडेंशियल स्कूल्स ऑफ लर्निंग. वो रेजिडेंशियल स्कूल थे, मतलब बालक को वहां रह के पढ़ना होता था. देयर वर टिपिकल इन द टीचर्स हाउस और ए मॉनेस्ट्री, या तो मतलब कोई ऐसे आश्रम टाइप का होता था या वो शिक्षक का घर ही होता था. एट द गुरुकुल्स द टीचर इम्पार्टेड नॉलेज ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ. गुरुकुल में जो शिक्षक होता था वो ज्ञान देता था किस किस एस्पेक्ट के साथ, धर्म, आपके स्क्रिप्चर, आपका दर्शन, साहित्य, वॉरफेयर जो कि वो युद्धों का जमाना था, स्टेट क्राफ्ट, राज्य नीति, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी एंड द हिस्ट्री. दिस सिस्टम इज रेफर्ड टू एज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन. यह जो सिस्टम था वो सबसे पुराना सिस्टम माना जाता है और सबसे प्रभावी भी. However, education was primarily the privilege of the upper caste. हमने ये कई अपने हिंदू ग्रंथों में, जातक कथाओं में हमने पढ़ा है, सुना है कि जो शिक्षा थी वो केवल अपर कास्ट के स्टूडेंट्स को दी जाती थी, विशेषाधिकार था शिक्षा. However, मतलब इसके मिथ भी, इसके अपवाद भी होंगे. लर्निंग वॉज एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द पीपल कॉल्ड द गुरु शिष्य परंपरा. अभी तक उसकी बात की जाती है, गुरु शिष्य परंपरा को. इतना पायस, इतना इंटीमेट रिलेशनशिप लर्निंग का शिक्षक और शिष्य के बीच में था. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिगेन विद अ रिलीजियस सेरेमनी. जो शिक्षा की पढ़ाई, मतलब शिक्षा की शुरुआत होती थी, जो अधिगम की शुरुआत होती थी, सीखने की शुरुआत होती थी, वो एक सेरेमनी से होती थी जिसका नाम उपनयन था. तो मेन फीचर्स अगर आपसे वैदिक एजुकेशन की पूछे जाए तो क्या था, हाई स्टेटस ऑफ टीचर्स, शिक्षकों को बहुत उच्च सम्मान प्राप्त था, रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, नो स्टेट कंट्रोल ऑन एजुकेशन, राज्य का शिक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं था, फ्री एजुकेशन थी. हाउएवर जो मतलब विदेशी के जो राजकुमार या ऐसे उच्च अच्छे संभ्रांत परिवारों के बच्चे थे वो दक्षिणा के स्वरूप बहुत कुछ देते थे. वाइड स्प्रेड एजुकेशन ऑफ वेमेन. इस समय महिलाओं की शिक्षा की स्थिति अच्छी थी और व्यापक थी. इंडिविजुअल टीचिंग थी, वन टू वन टीचिंग होती थी एंड फोस्टर्स फॉरेस्ट एट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन. और जो वन थे वो शिक्षा के केंद्र थे. संस्कृत था जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था और सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन द टीचर एक्टेड एज पेरेंट्स वर कोर फीचर्स ऑफ द वैदिक एजुकेशन. तो ये सब कुछ वैदिक एजुकेशन के लिए था. फिर मेडिवल पीरियड में क्या हुआ. इन मेडिवल इंडिया इम्पार्टिंग एजुकेशन वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्यूटी. यहाँ पर भी शिक्षा प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया. ड्यूरिंग दैट पीरियड द एम ऑफ एजुकेशन वॉज द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज एंड द प्रोपिगेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स. इस वक्त शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार के साथ ही साथ इस्लामिक नियमों सिद्धांतों का विस्तार भी था. लॉज एंड सोशल कन्वेंशन. एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन रिलीजन. शिक्षा जो थी तो धर्म पर आधारित थी एंड द मेन एम वॉज टू मेक पर्सन्स रिलीजियस माइंडेड. और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लोगों को धार्मिक बनाना था. द मुस्लिम स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज सर्टेन पोर्शंस ऑफ होली कुरान. जो मुस्लिम विद्यार्थी थे उनको होली पवित्र कुरान की कुछ पोर्शंस याद करने होते थे. देयर वॉज नो साइंटिफिक मेथड ऑफ टीचिंग इन द मक्तब्स. मक्तबों में वैज्ञानिक विधि की शिक्षा प्रणाली पर कोई बल नहीं था. हाउएवर ये इतिहासविदों ने बताया है कि अकबर अर्ज्ड दैट द स्टूडेंट बी फर्स्ट गिवन द नॉलेज ऑफ अल्फाबेट्स देन वर्ड नॉलेज एंड आफ्टरवर्ड सेंटेंस नॉलेज. कि उन्होंने ये इस बात पर महत्व दिया, एम्फेसिस किया, बल दिया कि बच्चों को आप पहले अल्फाबेट का ज्ञान दीजिए, फिर शब्दों का दीजिए, उसके बाद सेंटेंस का दीजिए, मतलब साइंटिफिकली चलिए. अब आपका आता है प्राइमरी एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया. तो ब्रिटिश इंडिया में हम हर बार गुड्स डिस्पैच से शुरू करेंगे 1854, फिर आपका मीनवाइल आपका 1854 के बाद 1882 आएगा हंटर कमीशन, है ना. फिर उसके बाद उसी तरह से 1902 का आता है एक्ट, फिर 1904 का आता है, फिर 1917 का कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन आता है, हर्टॉक कमेटी आती है 1929. तो ये इतनी बार हो चुका है कि अब तक आपको याद हो गया होगा, क्योंकि कमेटी तो एक ही बार आई, उसी ने प्राइमरी हायर सेकेंडरी पे अपने अपने रिकमेंडेशन दिए, तो हमको हर बार यहीं से शुरू करना पड़ता है.
The Woods Dispatch ने कहा कि it was the first official document to present a national education policy outlining the company's role in providing schooling in British India. ये पहला official document था राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के रूप में और इसने British India में British भारत में company मतलब जो British India company थी उसके role को outline किया. Woods Dispatch made the company responsible for primary education and suggested certain reforms. Woods Dispatch ने कहा कि जो company है वो primary education के लिए जिम्मेदार है और कुछ उसने सुझाव दिए. It made the company responsible. चाहिए हो गया. Even then the situation could not improve because the rules of the grantee date system were impracticable. ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं थी क्योंकि जो ग्रांटी डेट अनुदान की बात थी आपको पता ही होगा कि बुड्स डिस्पैच ने सबसे पहले ग्रांटी डेट की बात की वो इम्प्रैक्टिकेबल था. बाकी आप खुद देख लीजिए आज मेरा गला ठीक नहीं है. फिर आपका हंटर कमीशन आता है 1882 में. ये कहता है कि पॉलिसी शुड बी इनकरेज टू मेक स्टूडेंट्स सेल्फ डिपेंडेंट. इस पॉलिसी ने कहा कि बच्चों को आपको स्वनिर्भर बनाना होगा. फिर हर्टॉग कमेटी आती है 1929 की जिसने सबसे पहले वेस्टेज और स्टैग्नेशन की बात की थी और इसने कहा था देयर वाज अ नीड टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर रादर देन एक्सपेंशन. उसने कहा कि स्कूल बढ़ाने से अच्छा है जो है उन्हीं का आप स्ट्रक्चर बढ़िया कीजिए. फिर जाकिर हुसैन कमेटी 1937 में एंड द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1938 में आता है और ये इम्फेसाइज करता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी स्कूल्स की ये वर्नेकुलर या इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए यानी भारतीय भाषाओं में प्राथमिक स्तर पर शिक्षण दिया जाए. इन कमेटियों ने ये कहा. और फिर आपका सेकेंड कमेटी ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1939 एंड सार्जेंट कमीशन 1944 मेंशन दैट प्राइमरी एजुकेशन शुड कंप्राइज 8 इयर्स फ्रॉम द एज ऑफ 6 टू 14. यानी कि ये दोनों सार्जेंट कमीशन और आपका सीएबी के ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा 8 वर्षों की होनी चाहिए 6 से 14. उसको उन्होंने जूनियर बेसिक और सीनियर बेसिक में बांटा. फिर आपका आता है अब आप हम लोग आ गए 1944 आ गया ना देश आजाद हो गया प्राइमरी एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. तो एजुकेशन शुरुआत में क्या था राज्य की जिम्मेदारी था. क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचा गया था कि वो सिर्फ टेक्निकल और हायर एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करेगी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 में कहा था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 इयर्स. लेकिन 1976 के पहले उसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन आता है जिसमें की शिक्षा राज्य के अधिकार से निकालकर कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची में डाल दी जाती है. फिर आपका आता है एजुकेशन कमीशन 1964-66 और ये क्या कहता है कि एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन और ये एक नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन की बात करता है कि एक राष्ट्रीय पैटर्न होना चाहिए शिक्षा का. फिर आपका आता है एनपीई. देखिए इसको मैंने ब्लैक कर दिया बाकी सब थोड़े से डल रहे हैं. अकॉर्डिंग टू एनपीई 1968 और 1986 ने कहा कि हमको जनरल फॉर्मुलेशन इनकॉर्पोरेटेड ये सब कहा प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस क्वालिटी क्वांटिटी यूनिटी एंड फाइनेंशियल आउटले accumulated over the years assumed such massive proportions that they needed to be talked with the utmost urgency. उन्होंने कहा कि अभी भी पहुंच की समस्या है गुणवत्ता की समस्या है परिमाण की समस्या है एकता की समस्या है वित्तीय समस्या है तो इसके लिए आपको जल्दी ही कुछ करना होगा. फिर उसके बाद केब जब आता है वो कहता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इसमें हम लोग बहुत बात कर चुके हैं इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज यानी शैक्षिक अवसरों की समानता प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकरण विमेन की शिक्षा और विकास वोकेशनल एजुकेशन कॉन्सोलिडेशन ऑफ हायर एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी कंटेंट एंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स कंटिन्यूज टू बी द थीम्स ऑफ नेशनल एंडेवर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. ये सारी बातें इसने बताई. फिर ये देखिए ब्लैक नहीं हो पाया. फिर आपका आता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 जिसकी हम लोग बहुत बहुत बार बात कर चुके हैं यानी कि आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट. इसलिए मैं इसको दोहराऊंगी नहीं आप इसको देख लीजिए कि जो आर्टिकल 45 था डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वो अब चेंज हो गया. उसको अब कहा जाता है कि दिस स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. 6 से 14 उन्होंने ले लिया है राइट टू एजुकेशन है तो हम 0 to 6 ले लेंगे फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6. इसलिए इन्होंने एक फंडामेंटल ड्यूटी 51A के नाम पे जोड़ी जो कि कहती है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज द पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 इयर्स. यानी राज्य की तो ये जिम्मेदारी है राज्य की तो को तो ये मतलब करना ही करना है लेकिन जो पेरेंट या गार्जियन है उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो उचित अवसर प्रदान करे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के जो है उनको पढ़ाने की. और फिर आपका सर्व शिक्षा अभियान आता है एसएसए का क्योंकि अब क्या सीमा संशोधन आ ही गया है 2002 में आपका है ना
तो ये 2001 में आता है कि अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ये फ्लैगशिप प्रोग्राम बना और बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और बाद में ये सब समग्र शिक्षा में मर्ज हो गया। ये कह रहे हैं ना कि आप क्या करिए, स्कूलिंग फैसिलिटीज करिए और जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उनको सुधारिए, कैसे एडिशनल क्लासरूम बनाइए, टॉयलेट बनाइए, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करिए, उनको ग्रांट दीजिए, स्कूल का इम्प्रूवमेंट करिए इत्यादि। फिर आपका राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट है, देखिए ये 2012 में अमेंड भी हो गया है कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ आपको पढ़ाने ही नहीं है बल्कि गुणवत्तापूर्ण तरीके से समतापूर्ण शिक्षा देनी है और सर्टेन एसेंशियल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को भी आपको फॉलो करना है। और लास्ट में एनईपी 2020, इसकी भी इतनी बात हो गई है इसलिए इसको भी, ये भी एक केवल रिपीटिशन है कि 10+2 स्ट्रक्चर अब 5+3+3+4 हो गया है, सर्व शिक्षा अभियान अब समग्र शिक्षा हो गया है, और जीईआर, देखिए जीईआर की हम लोगों ने हायर एजुकेशन पे बहुत बात बात की है, लेकिन कक्षा 6 से 8 के लिए इनरोलमेंट रेशियो 90.9 है, जबकि 9 से 10 और 10 और 11 से 12 के लिए 79.3 और 56.5 है, यानी कि घट रहा है। तो इसका मतलब कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट आफ्टर क्लास ग्रेड 5 एंड स्पेशली आफ्टर ग्रेड 8। देखिए 79 से ये 56 हो गया ना, यानी 8वीं कक्षा के बाद बहुत बच्चे, क्योंकि 9th 10th 11th 12th को इन्होंने एक साथ ले लिया है, तो 8वीं के बाद बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हमारा यही गोल है कि हम 100% इसको अचीव कर लें, कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना बने और हम 100% GER 2030 तक अचीव कर पाए। तो यही सब है। तो इस तरह से गुरुकुल प्रणाली से निकलकर शिक्षा 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की तरफ अग्रसर है, और बीच में सब कुछ आप बार बार सुन चुके हैं, लेकिन सिर्फ हमको इस बार प्राइमरी एजुकेशन पर इसका एम्फेसिस देखना था। अदरवाइज हम वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, हर्टॉक कमेटी, आपका जाकिर हुसैन कमेटी, सप्रू कमेटी, सार्जेंट कमीशन, कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन, सैडलर कमीशन, सबकी बात बार बार कर चुके हैं। 1968 की पॉलिसी, 1986 की पॉलिसी, राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन है, इवन एनईपी 2020, सब पर बात हो गई है। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू। सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।